और हम जा रहे ट्यूशन और जब हम लोग जब आप लोग से मिलते हैं वीडियो में बाय। फिर क्या करोगे ट्यूशन से आके? खेलेंगे। क्या खेलोगे? वही वाला जो अभी सब्जी वाला खेल लेते हैं। दूर खड़े के बता ना। सब्जी वाला खेल लेते हैं। 1 किलो 2 किलो 2 किलो का ले लो, 2 किलो का ले लो। मैं नहीं खेलूंगा। क्या लोगे 2 किलो का? 2 किलो का चावल। मटर, आलू, टिंडे और करेला। और करेला, और करेला। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज नूरुल हुदा का दिल हो रहा था कि मम्मा व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी, तो नूरुल हुदा ने स्टार्ट किया और जो उसको आया वो बोलती चली गई कि मम्मा मुझे बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब ये बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए, अब जब ये आएंगे तो शायद ये कुछ खेले करें जो भी, तो वो तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं जो आज करने का मेरा जो इरादा है वो है मेहंदी की डिज़ाइन। तो मैं लगाऊंगी अपने हाथ पे मेहंदी, लगवाऊंगी लगाई वरना मैं लगवाऊंगी सुबह से मेहंदी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी बस सुबह आने वाली होगी ट्यूशन से, जब वो आ जाएगी तो मैं करूंगी उससे मेहंदी की डिज़ाइन, लगवाऊंगी अपने हाथ में। तो तब तक देखते हैं कुछ ना कुछ काम काज जो होगा वो करते रहेंगे। तो सुबह आ चुकी है इसलिए मैंने मेहंदी स्टार्ट की है कि भाई आज मेरा दिल हो रहा है मुझे मेहंदी लगानी थी। तो मैंने तुबा से कहा है कि मुझे मेहंदी लगा दे, तो उसने स्टार्ट ले लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या लगा रही है। ये देखें भाई, ये तूबा ने मेहंदी लगाई, इतनी सी स्टार्ट की है, इतना डिज़ाइन कर दिया है, आगे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन जहाँ इसने स्टार्ट लिया था उसके जो बराबर में ये बड़ी सी केरी इसने जो बनाई है ना, ये इसने गलत कर दी थी। इस पर मैं उस पर गुस्से हो गई, मैंने कहा ये क्या किया है, तो थोड़ी घबरा गई। और इसके बाद जो इसने डिज़ाइन बनाए ना वो सारे अच्छे हैं। इसलिए अगर थोड़े से गलत काम पर पहले से डांट लिया जाए ना, तो आगे काम खूबसूरत ही खूबसूरत, मज़ेदार, अच्छे होते हैं। आपने देखा उसने किस तरह मेहंदी लगाई थी, तो वो नाराज़ ही हो गई थी, लेकिन चलता है क्योंकि मेरा हाथ ख़राब हो, इससे तो बेहतर है ना मैं पहले से उसे रोक दूँ कि सही लगा गई। अब आगे देखते हैं क्या लग रही है मेहंदी, मैं आपको दिखाती रहूँगी बाहर। क्या गाना बोला तूने? नूरुल हुदा भी क्या बोल, नहीं इससे पहले क्या बोल रही थी? मैंने कब मारा घोड़ा? बन मेरे कुशन का घोड़ा बनाया इसने, और मेरी सिलाई मशीन का भी क्या हाल कर दिया इसने, सारी चीज़ें उस पर फेंक दी है। अरे हट जा वहाँ से, इधर आ इधर आ। ये देखें, ये तूबा ने इतना हाथ कंप्लीट कर लिया है और डिज़ाइन लगा दिए घी वाला, बिल्कुल सेम माशाल्लाह डिज़ाइन है। हालांकि मैंने इसे मना किया था, मुझे इतना ज़्यादा है डिज़ाइन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसे लगाई तो काफ़ी हद तक लग चुका है। अब बाकी का देखते हैं। देखें जी, ये सब कंप्लीट हो चुका है, अब ये सिर्फ फिंगर्स बाकी हैं। तो अब जल्दी जल्दी मैं तूबा से केरी लगा दो। देखें ये कंप्लीट हो गया है हाथ, अब सिर्फ ये बाकी है। लाइट चली गई थी इस वजह से थोड़ा लेट भी हो गया है, और काफ़ी इतने दिन माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ ये थंब बाकी है, अब उस पर लग जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी, आ मुझे मोटिव भी बना दे इस तरह। इसे तूबा जब मेरे हाथ में लगाती है ना मेहंदी,
तो उसे बहुत डर लगता है कि मेरी मम्मा कुछ ना कुछ बोलेगी, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो डर डर के इससे इतनी देर लगा दी है कि मैं खुद थक गई हूँ। अभी मैं 10 मिनट हाथ रखूंगी, फिर मैं इस मेहंदी को धो लूँ। इतनी स्लो स्लो इससे मेहंदी लगाई है कि मेरी मम्मा को पसंद नहीं आएगी। जल्दी कर ले, तेरे पियो ना फोन आ रहा है। मेहंदी वॉश करने के बाद फिर अब चिकन रहीम आ चुके हैं तो कॉल आ गई थी तो मुझे हाथ धोना पड़ा। तो मैंने गीली ही मेहंदी थी, उसे सूखने का भी ज़रा भी वक्त नहीं दिया, मैंने फ़ौरन से हाथ धो लिया तो भी कलर माशाल्लाह अच्छा आया है मेहंदी पे। आजकल की तो मेहंदियों में कलर होते ही हैं तो इसे ज़्यादा देर रखना भी नहीं पड़ता, कलर अच्छा आया है। लेकिन मेरा एक हाथ जो है, मैंने सोचा था दोनों हाथों में लगाऊंगी लेकिन एक हाथ मेरा खाली रह गया। और ये देखेंगे फ्राइज, चाय और ये रोटी है जो मैंने लाल कर दी इनको। रात के 2:30 बज रहे हैं और ये देखिए अब्दुल रहीम मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मैं सबूत दिखा रही हूँ, आप टेंशन नहीं लो, मेरे पास सबूत है। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें और ये भी देखें। अब मैं आपको दिखाती हूँ बार व्यू, जो कुदरती होता है ना वो सबूत है मेरे पास। दोपहर के ढाई कोई नहीं बज रहे, आओ मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये देखें रात के 2:30 बज रहे हैं और आसमान भी देखें आप, देखा आपने। और ये कह रहे हैं कि दोपहर के ढाई बज रहे हैं और मैंने ये खिला रही हूँ। घड़ी आगे करी, आसमान थोड़ी आगे पीछे करा है। ये देखो, ये देखो चाय, बहुत मजा आ रही है। कहाँ से आते हैं ये? नूरुलता होती है क्या बोलती, बहुत मजा आ रही है। खाओ तो एक, लो वन बाइट। आयशा वशी रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। गिर गया। बहुत मजा आ रही है, मजा आ गया, जमीन वाली चीज खा के मजा आ गया। सुबह वो खानी थी मैक्रोनी, वो भी चीज वाली, चीजी मैक्रोनी। और अब्दुल रहीम को खाने थे पकोड़े और फ्राइज, तो मैंने सिर्फ एक चीज बना दी, फ्राइज से काम चला लो, पकोड़े कल शाम को बना के खिलाऊंगी। ऐसे तो नहीं होता है। अब मैं भी खाने पे फोकस करती हूँ, जब बना ही लिया है तो मैं भी खा ही लेती हूँ। नहीं अब मिलते हैं सुबह। ये देखा आप क्या करते, और ये आधी रात हो गई है लेकिन दोनों जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ना तूबा को सोना है ना रहीम को सोना है, और मेरी लगी हुई है ड्यूटी, खाएं पिएं मौज करें। अब मुझे ये सारा समेटना है, रखना है, बर्तन अभी नहीं धोऊंगी, सुबह धोऊंगी और तूबा से धुलवाऊंगी। मैंने क्या करा? तू ही धोएगी साली। तो ये देखे अभी भी पापे खिला रही है, ये मुझे खुद भी खा। अच्छा आ रही है। और अभी बज रहे हैं 3, रात के 3 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे मुझे उठना है, बच्चों को मदरसा भेजना है। और ये लोग ना सो रहे हैं ना सुकून करने दे रहे हैं, इतनी मस्ती है इनको। आपने रात के 3 बज रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, पी रहे हैं और मुझे ना सोने दे रहे हैं, और अब सुबह 6 बजे उठना है बच्चों के लिए। तो कह रही है अच्छा है आपकी आँख ना खुले, छुट्टी हो जाए, लेकिन मैं खुद भी उठूंगी और इसको भी उठाऊंगी कि चल काम पे लग। तो मिलते हैं सुबह को अब। हाँ तो गाइस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड,
और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।